बैक टू माय YouTube चैनल। टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी अनदर फूड वीडियो, फूड ब्लॉग। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड। एंड अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग दिल्ली आने का प्लान कर रहे हो तो भी इन पांचों जगह पे आप जा सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी मोमोज, पास्ता, छोले कुलचे, राजमा चावल एंड इवन गोलगप्पे एज वेल। सो या आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है वीडियो। एंड या बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑलरेडी, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। सो प्लीज फॉलो मी ऑन माय Instagram एज वेल। नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मोमोज, क्योंकि मोमोज ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड मोमोज खाने में आई हूँ लाजपत नगर मार्केट, एंड यहाँ पे एक शॉप है डॉलमा आंटी मोमोज, यू ऑल कैन सी वहाँ पे। गाइस, इन्हें लाजपत नगर मेट्रो के बिल्कुल पास में ही है, तो मैं मेट्रो से ही आई हूँ। एंड मेट्रो से लाइक बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड यहाँ पे बिल्कुल पास में लाजपत नगर मार्केट भी है, तो आप मोमोज भी खा सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ के मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है सिलेक्ट को। ये पैन फ्राई मोमोज, पैन फ्राई, पैन फ्राई कौन सा करूँ? वेज, वेज पैन फ्राई खाना है। हाँ जी, और कौन से आपके बढ़िया? तो गाइस, मैंने यहाँ से लिए हाफ प्लेट स्टीम मोमोज, यानी सिर्फ 30 रुपीज़ के थे। एंड यू गेट फोर मोमोज प्लस ये रेड वाली चटनी मेयो में मिलती है। एंड मैंने सुना बहुत टेस्टी होती है, और मैंने पैन फ्राइड भी ऑर्डर करे, वो भी आने वाले हैं, बट पहले इसको ट्राई करते हैं गर्म है अभी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर पैन फ्राइड मोमोज, क्योंकि मैंने वो कभी भी नहीं खाए हैं। मैं जल्दी से ये फिनिश करती हूँ एंड पैन फ्राइड खाते हैं। सो गाइस, मैंने पैन फ्राइड को चेंज करके अफगानी कर लिए, बिकॉज जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसे नहीं थे पैन फ्राइड, तो अभी अफगानी ट्राई करते हैं। सो गाइस, मेरे अफगानी मोमोज आ गए हैं, यू ऑल कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। एंड दिस प्लेस वॉज फॉर 80 रुपीज़, एंड 80 रुपीज़ में गेटिंग 8 मोमोज। एंड कभी ट्राई करके बताती हूँ मैं कैसे हैं ये भी मैंने कभी नहीं खाए। गर्म है, एकदम क्रीमी मोमोज है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट बहुत टेस्टी है। आप लोग आओ ना, ये बहुत पुरानी शॉप है लाजपत नगर, लाइक मार्केट है ना, बिल्कुल स्टार्ट होती है कॉर्नर पे शॉप है। एंड ये वाले मोमोज जरूर ट्राई करना, स्टीम तो अच्छे है ही, अफगानी भी बहुत अच्छे हैं। आई एम एंजॉय दिस नाउ। सो गाइस, मैंने मोमोज खा लिए, काफी ज्यादा टेस्टी थे, यमी थे, एंड बहुत ज्यादा सस्ते भी थे। शॉप का ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लाइक लिंक नहीं, इस शॉप का मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लाजपत नगर आओ तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई करना। छोले कुलचे, एंड दिल्ली में ना छोले कुलचे बहुत ज्यादा फेमस है। आज मैं आई हूँ नारायणा, एंड यहाँ के छोले कुलचे बहुत ज्यादा फेमस है। द प्लेस इज कॉल्ड काशीराम छोले कुलचे वाला। एंड गाइस, यहाँ के छोले कुलचे बड़े हमें मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिंपल से नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ना अलग टाइप से बनाते हैं, तो मैं वो आपको भी दिखा दूंगी। एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, और अगर आपको भी बोले खाना है ना, आप यहाँ पर आ सकते हो, लाइक नारायणा में। मैं आपको लोकेशन नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इनको जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो, फिर इसको भी ऑर्डर कर सकते हो।
गाइस आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय छोले कुलचे एंड इतने टेस्टी मिलते हैं ना यहाँ के छोले कुलचे एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको ना दिल्ली में लाइक नॉर्मल वाले छोले कुलचे मिल जाएंगे लाइक जो सिंपल होते हैं राइट बट इसके अंदर आपको गार्लिक चटनी पनीर बटर सब कुछ मिलेगा एंड गैस वॉट सिर्फ 80 रुपए के आते हैं। तो अभी मैं इसको लास्ट बाइट लेती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और खाने का बढ़िया सा। सो गाइस फूड चैलेंज जो है पास्ता ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आई एम गोना शो यू माय फेवरेट पास्ता शॉप एंड बहुत सस्ता पास्ता मिलता है। देखिए पहले शॉप ना करोल बाग में है तो ये रहा मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन की बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस आप सीधा सीधा आओगे ना तो शॉप दिखाती हूँ। एंड बहुत लाइक स्पाइसी टाइप का पास्ता होता है ना वैसा मिलता है सिर्फ 40 रुपीज का एंड बहुत टेस्टी लगेगा आपको। सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे मेरे पीछे यही वाली शॉप है जो पास्ता की अभी चलते हैं ऑर्डर करते हैं। अगर आप लोग को मेयो पसंद हो या नहीं हो इसमें ना वो डालेंगे मेयो मना मत करना अदरवाइज आपको मुंह इतना जल जाएगा इतना ज्यादा स्पाइसी होता है एंड मेयो ना उसको बैलेंस आउट कर देता है तो बहुत ही अम्मी लगेगा। एल्स मैं भी ऐसे मेयो नहीं खाती थी बट इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। सो टुडे आई एम गोना शो यू दी मोस्ट यम्मीएस्ट राजमा चावल इन दिल्ली लाइक अकॉर्डिंग टू मी। ओके मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं यहाँ के। तो मैं हूँ अभी सीपी में लाइक अगर आप मेट्रो से होंगे ना सीपी तो आपको गेट नंबर 3 या फिर 4 से एग्जिट करना है। ये रहा 4 तो 3 या 4 से एग्जिट करोगे ना कि बिल्कुल पास में ही है राजमा चावल की शॉप एंड इतने सस्ते बट इतने ज्यादा यम्मी मिलते हैं ना तो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे। सो गाइस मैं पहुंच गई उस वाली शॉप पे जहाँ पे मिलते हैं यम्मी यम्मी राजमा चावल। तो आपको ना पराशर फूड सर्च करना ठीक है और उसके साथ में इस शॉप का ना कोई भी नाम नहीं बिकॉज बहुत छोटी सी शॉप है ये एंड ये वाली शॉप पर आपको आना है एंड इतने इतने टेस्टी लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जब भी सीपी आओगे ना यहाँ से जरूर खाना। सिर्फ 80 रुपीज़ की प्लेट मिलती है और आपका पेट तो एकदम फुल हो जाएगा। तो अभी ऑर्डर करते हैं हम अपने राजमा चावल। सो गाइस ये लोग ना राजमा चावल में ऐसा रायता भी देते हैं आपको पापड़ भी होगा ठीक है थोड़ा सा ये प्याज वगैरह भी है एंड राजमा तो है ही एंड इतने ज़्यादा यम्मी इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना एंड दिस प्लेट इज ओनली फॉर लाइक 80 रुपीज। बहुत टेस्टी हो रहा है बट द ओनली थिंग इज ना कि यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है दैट इज द ओनली थिंग अदरवाइज बहुत टेस्टी राजमा चावल होते हैं। अगर आप लोग सीपी आओगे ना जरूर ट्राई करना। दिल्ली के लोग ना बहुत ज्यादा फूडी होते हैं हम सबको पसंद होते हैं गोलगप्पे एंड आई एम श्योर दिल्ली के अलावा बाकी पूरे इंडिया को भी गोलगप्पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते होंगे। तो मैं आज आई हूँ तिलक नगर में एंड यहाँ पे एक शॉप है बहुत पुरानी बहुत फेमस गोलगप्पे की। तो अभी हम वहाँ चलते हैं वहाँ पे चल के आएंगे गोलगप्पे लगे। गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग गोलगप्पा बट ये शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरी मम्मी भी हमेशा से खाती है बचपन में ना मैं भी हमेशा मम्मी के साथ आती थी एंड ये तिलक नगर जब आप आओगे ना 7 मंजिला मंदिर वाली रोड पे है। मैं अभी आपको मंदिर भी दिखा दूंगी बिल्कुल पास में। बाय द वे दिल्ली में तो इसको गोलगप्पा बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ। मुझे पता है बॉम्बे में बोलते हैं पानीपुरी एंड कलकत्ता में बोलते हैं फुचका। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपकी जगह में क्या क्या बोलते हैं या कैसे कैसे टाइप का होता है। यहाँ पे 2 टाइप का पानी मैंने ट्राई करा हिंग का पानी एंड
कुछ तीखा वाला बहुत टेस्टी था यार, मुझे लग रहा है मैं भी खाना स्टार्ट कर दूंगी। फ्राइड वाज यम्मी। गाइस ये प्लेट 20 रुपए की है, 20 रुपए में यू गेट 5 गोलगप्पे। पहले ना यहाँ पे 5 तरह का पानी मिलता था, अब तीन तरह का, बट तीनों ही बहुत टेस्टी था, तो आप जरूर ट्राई करना। एंड बाय द वे गाइस, मैंने ये गोलगप्पे वाली शॉप का भी लोकेशन आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप तिलक नगर आओगे और यहाँ से गोलगप्पे खाओगे तो मुझे स्टोरी में टैग कर देना बाय चांस अगर मैं फोटो ली तो। लेट मी शो यू द मंदिर ऑल्सो, जो मैंने बताया ना कि 7 मंजिला मंदिर बहुत सुंदर सा है। लेट मी शो यू हो रहा हूँ। गाइस सो दैट इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड अगर आप लोग को पसंद आएगी ये वीडियो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।